नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चला फिर हम आप लोगों के लिए लेकर गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां पर बीजेपी के 22 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कौन कौन से वो दिग्गज नेता है, आगे विस्तार से इसकी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के खिलाफ हुए आंदोलन में जिस तरह से किसानों को चला गया और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की इस मामले में जो हत्या हुई थी उसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तमाम राज्यों में होने वाले उपचुनाव से पहले असम के अंदर चुनाव आयोग ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को यह झटका लगा है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश की मोदी सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रही है जिससे पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होगी, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, त्रिपुरा के अंदर लगातार एक विशेष समुदाय के ऊपर जुल्म जारी है। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल और आरएसएस और बीएचपी के कार्यकर्ताओं का तांडव त्रिपुरा में जारी है। इसकी जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है, आगे हम आपको त्रिपुरा हिंसा की एक तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जिस तरह से एनसीबी लगातार जो है जांच के दायरे में ला रही है, उस मामले पर अब इस मामले पर जो है बताया जा रहा है कि एनसीबी के खुद जो अधिकारी हैं वो फंस गए हैं और उल्टा ये मामले में बड़ा उलटफेर हो गया, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के फिर से लॉकडाउन को लेकर के बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आने वाले 5 राज्यों की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव की तैयारियों में लग गई, वहीं अब महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए एक बड़े झटके की खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर के मुताबिक आने वाले महापालिका चुनाव से पहले उल्हासनगर में भाजपा के 22 नगर सेवक आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाजपा के दिग्गज नेता ओमी कलानी को अपने पाले में लाकर एनसीपी ने भाजपा को चुनाव से पहले एक बड़ी मात दे दी है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो 12 नगर सेवक हैं इनके सैकड़ों समर्थक भी जो है बीजेपी छोड़कर के एनसीपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये जो है महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए बड़े झटके की खबर है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया, उस मामले पर एक और ताजा अपडेट सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, यूपी पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जारी बयान के अनुसार लखीमपुर खीरी हिंसा की तफ्तीश कर रहे विशेष जांच दल ने 2 भाजपा कार्यकर्ताओं सहित 4 लोगों को जिस तरह से पीट पीट कर खत्म किया गया था, उस मामले में गुरविंदर सिंह और विचित्र सिंह नाम के 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कैजुअल्टी के मामले पर ये गिरफ्तारी हुई है। अब देखना यह होगा कि इसके बाद किस तरह की पुलिस कार्रवाई करती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर के देश के गृह मंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन की अमित शाह से तीसरी मुलाकात होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार कैप्टन की अमित शाह से मुलाकात कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के होगी। किसानों की समस्या के समाधान को लेकर के मिलूंगा शाह से, यह कहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना बयान दिया है। तो यह कहीं ना कहीं कृषि कानून को लेकर के एक और ताजा हलचल और देश के गृहमंत्री अमित शाह से कैप्टन की मुलाकात कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद कृषि कानून पर कोई बड़ा ऐलान मोदी सरकार कर सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, तमाम राज्यों में होने वाले उपचुनाव के बीच अब असम के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका चुनाव आयोग ने दे दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, चुनाव आयोग ने बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को आगाह किया है कि वे भविष्य में अधिक सावधान रहे, संयम बरते, अपने सार्वजनिक भाषणों में
आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का संख्या सख्ती से पालन करें। चुनाव आयोग की चेतावनी। असम कांग्रेस के प्रमुख भूपेन कुमार बोरा विधानसभा के विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया की शिकायत पर आई है। कांग्रेस नेताओं ने 30 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा लगातार जो है अपने अनाप शनाप बयान देते हैं, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने उनको जो है अलर्ट करते हुए वार्निंग दे दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब एक बार फिर से देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के मोदी सरकार एक और नया प्लान बनाकर के बड़ा ऐलान करने जा रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अगले महीने से केंद्र सरकार एक मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बुधवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार अगले महीने से हर घर दस्तक वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत हेल्थ वर्कर्स सभी पात्र लोगों को घर घर जाकर के वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने पहली डोज नहीं ली है, उन्हें वैक्सीनेशन की पहली डोज भी लगाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अभियान मोदी सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, एक बार फिर से त्रिपुरा में हिंसा बढ़ती जा रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बजरंग दल आरएसएस वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद में तोड़फोड़ की है, जिसका मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से त्रिपुरा में एक विशेष समुदाय के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का तांडव जारी है। जानकारी के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों को इस मुल्क में ना कभी सम्मान हुआ है ना होगा, ऐसा कहते हुए तमाम जो है सोशल मीडिया के यूजर्स इस मामले पर आवाज उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दुकानों में, मस्जिदों में, घरों में लगातार त्रिपुरा के अंदर तोड़फोड़ हो रही है और ये जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये विशेष समुदाय खासकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर इस तरह के अटैक हो रहे हैं। और इसके बावजूद भी हमारे देश के गृह मंत्री और गोदी मीडिया इस मामले पर पूरी तरह से खामोश है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जिस तरह से ड्रग्स मामले में लगातार जो है कोर्ट से बेल नहीं मिल पा रही, अब इस मामले पर एनसीबी को ही बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक आर्यन खान को फंसाने के चक्कर में खुद फंसे समीर वानखेड़े काजी ने स्वीकारा है कि मुस्लिम है समीर, मैंने करवाया था निकाह। ये कहते हुए समीर वानखेड़े की पोल खुल गई है और एनसीबी के प्रमुख जो है जो वानखेड़े जी हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस बीच जानकारी मिल रही है कि लॉकडाउन लगने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में फिर से कोरोना बढ़ने की वजह से 24 परगना जिले में 3 दिन के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में लगातार कोरोना के जो केसेस है बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से ममता सरकार ने ये ऐलान किया है। इसी तरह से देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, जिससे पूरे देश पर एक बार फिर से कोरोना लॉकडाउन का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।